माई नम इजमान चीमा वेलकम बैक विद वीडियो दिस वीडियो अबाउट न्यू सिटी पैराडाइज फ्राम जीरो पॉइंट तो जीरो पॉइंट से अगर न्यू सिटी पैराडाइज जाए रिसली आपने इस्लाबाद रावल पिंडी के डोमेन में काफ़ी मार्किंग इसी देखी होगी और वैसे भी आपको रावल पंडी इस्लाबाबाद में जगह जगह न्यू सिटी पैराडाइज के बिल बोर्ड्स नजर आते हैं तो आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर जीरो पॉइंट से देखें तो न्यू सिटी पेराडाइज का डिस्टेंस कितना बनता है और इसकी एक्जैक्टी डिस्टें के साथ साथ आपको टाइम कितना लगता है न्यू सिटी पैराडाइज जाने के लिए तो ओवरऑल मैं जीरो पॉइंट से लोकेशन के लिए माना जीरो पॉइंट को इस्लाबाद का सेंटर पॉइंट कहा जाता है नाइनटीन फिफ्टी एट में जब इस्लाबाद तो पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया था तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के इर्द गिर्द तमाम आबादी को मास्टर प्लान में ऐड किया गया था कि यहाँ पर स्कूल होगा यहाँ पर कॉलेज होगा यहाँ पर हॉस्पिटल होगा और यहाँ पर इस तरह चीज़ें बनाई जाएंगी और यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लाट्स होंगे यहाँ पे कमर्शियल प्लाट्स होंगे और यहाँ पर मरकज भरा होगा तो इसलिए ज़ीरो पॉइंट को मैं कोई भी सोसाइटी की वीडियो जब स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि पहली वीडियो ज़ीरो पॉइंट सोसाइटी की लोकेशन की बनाई जाए ताकि वो एक उस सोसाइटी के हवाले से मेरी पहली वीडियो में एक डिटेल तमाम मेम्बर्स को मिल जाएँ कि आप जिस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको जहाँ वो प्राइज़ ऑफ़र की जा रही है क्या वो प्राइज़ इस रीजनेबल रेट में है कि आपको वहां इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जीरो पॉइंट से आप लोकेशन का आइडियल लगाते हैं ना जीरो पॉइंट की सराउंडिंग में देखें तो सबसे नियरस्ट सेक्टर जो आते हैं वो आता है G6 और एच जी सिक्स और उसके अलावा आता है आपका G7 और उसके नियरस्ट पॉइंट जो आते हैं एफ सिक्स और एफ इसके अलावा जाते हैं ई सिक्स ई तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो कनाल बहुत महंगा है यानी कि अगर आप पर मरला कॉस्ट देखें लट ले, से जी बीस करोड़ पर कनाल है तो पर मरला आपको एक करोड़ का मिलता है इतने का आपको किसी भी दूसरी सोसाइटी में या नहीं जो इस्लाबाद जीरो पॉइंट से दूर होती है वहाँ पे आपको कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है इतने का करोड़ रुपये का तो ये रीज़न है कि जीरो पॉइंट से वीडियो बना के आमतौर पर मैं जनरल मैंबर को एक्सप्रेस करता हूँ कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी सुटेबल है तो वो जीरो पॉइंट का डिस्टेंस ही बताता है तो इस वीडियो में जीरो पॉइंट पर सबसे पहले हम मूव करते हैं इफ़ यू फेस इज टूर्ड्स कश्मीर हाईवे एयरपोर्ट की तरफ आपको फेस है तो आप जीरो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो पहले आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड पर सारी की जितनी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैं और इस वक्त जो स्क्रीन पर फोटेज देख रहे हैं ये बेसिकली गोल्डा मोर की फोटेज है यहाँ पे आके जी थर्टीन और लेफ्ट साइड पर अगर आप जाते हैं टुवर्ड्स रावलपिंडी तो वहाँ पे आप आके आई फोटी सी डी एस सेक्टर हैं आई फोरटीन से आई सिक्सटी बट ये गोल्डा मोर जो है लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आपको एक कम्यू, एक इंटरचेंज प्रोवाइड करता है जहाँ से आप कहीं भी कम्यूट कर सकते हैं और याद रहे कश्मीर हाईवे पर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक प्रॉपरली आपका कह लेंगे मेट्रो सिस्टम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है और दोनों साइड पर जो रोड्स हैं वो बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से रोड हैं यानी इस्लामाबाद पिंडी के डोमेन में दो रोड्स ऐसे हैं जो बहुत ही शानदार किस्म के डेवलप हुए हैं नंबर वन इस्लामाबाद हाईवे एंड सेकेंड इज़ कश्मीर हाईवे और श्रीनगर हाईवे अब श्रीनगर हाईवे पर देखते हैं तो आगे जिस तरह भी कम्यूट करना हो लेट्स लेफ्ट में ग्रैंड ट्रक रोड को अटैच करना है तो ये जीटी रोड का इंटरचेंज है यहां से अगर आप राइट होते हैं तो पिशावर वाली साइड निकल जाते हैं पशावर वाली साइड पहले बी सी फिर टेक्सला फिर न्यू सिटी वाक एंड तो फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं सन्नप दाल और वहां से आगे न्यू सिटी पैराडाइज की साइड पर पहुंच जाते हैं बट ये रूट जो है जाहिर सी बात है कि जी रोड का जो रूट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रूट है यानी कि इस रोड पर हमेशा ट्रैफिक होती है तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि मैंने किस साइड पर जाना हो इट कुड बी सी एस इट कुड बी एनी अदर सोसाइटी बट बाय मोटरवे तो इसमें मोटरवे में जाकर मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा कि लोकेशन क्या बनती है लेफ्ट साइड में एटीन इस्लाम वाक्य और एटीन इस्लाबाद की अच्छी बात यह कि जीरो पॉइंट से सिर्फ एटीन किलोमीटर दूर है और एटीन हॉल्फ को पी जी स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स के नेबरहड में इसको बात किया गया तो इसलिए एटीन जो है वो अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा फेमस और लग्जरी सोसाइटी है रावलपिंडी पिंडी इस्लाबाद के तमाम रेजिडेंट्स को एटीन का इस हवाले से आइडिया है मेरे सामने जो आपको कश्मीर हाईवे का रूट नज़र आ रहा है यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो ये जाता है लाहौर और अगर आप सीधा जाते हैं तो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और आप एयर आगे जाकर टर्न लेते हैं यानी कि आप लूप से निकलते हैं बाहर तो एम वन मोटरवे पे जिस मोटरवे में जो पाकिस्तान की सबसे पहली मोटरवे बनी थी या मोटरवे का जो सबसे पहला पार्ट कंस्ट्रक्ट हुआ था वो था एम वन मोटरवे पिशा टू इस्लामाबाद का पार्ट तो इसलिए एम वन मोटरवे की इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है एम वन मोटरवे पर स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आप एम वन मोटरवे पर टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं और टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आपको तकरीबन बीस सेवनटीन और उससे आगे फिर न्यू सिटी वाक एंड आप कह लें जितनी भी इंटरचेंजेज हैं उन

एंड न्यू सिटी आर्ट के नाम से तो ये न्यू सिटी की पुरानी अहमियत है तो जिन मेंबर्स ने भी ऑलरेडी न्यू सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको फोर हंड्रेड परसेंट फाइव हंड्रेड परसेंट सिक्स परसेंट का रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिला है जैसे मैं पहले बात करता हर जगह आपको पिंडी में बिलबोर्ड नजर आते हैं तो एम का इंटरचेंज क्रॉस करते साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको सबसे पहला बिलबोर्ड जो है वो भी न्यू सिटी पैराडाइज का नजर आएगा तो ये हो गया न्यू सिटी पैराडाइज का ओवरऑल uh, मैंने जीरो पॉइंट से लेकर अब तक इन जनरल लोकेशन एक्सप्लेन कर दिया है अब एम वन मोटरवे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन से प्रोजेक्ट लोकेटेड है अभी मेरे राइट साइड पर सारा फैसल टाउन लोकेटेड है और फैसल टाउन जो एफ एटीन में आता है इस्लामाबाद की टेरेट्री में आता है यानी कि अभी तक मैं इस्लामाबाद की टेरेटरी से आउट नहीं हुआ अब इस्लामाबाद की टेरेट्री में ही हूँ अब आगे जाके जब जा मैं डिफरेंट सोसाइटीज़ आएँगी तो मैं बताऊँ दूँगा इस्लाम की टेरेटरी कहाँ पर खत्म होती है और आगे जाके टेक्सा और वाकंड की टेरेटरी स्टार्ट होती है अब इस पॉइंट से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो लेफ्ट लेने के बाद एयरपोर्ट की बैक साइड पर रास्ता जाता है जिसका नाम है डी खान हकला मोटरवे और ये हकला मोटरवे जाके कोयटा की तरफ जा कनेक्ट करती है और इस रोडवे में सोसाइटी आना शुरू हो गई हैं कुछ सोसाइटी लॉन्च हो गई हैं और कुछ अभी इन प्रोसेस हैं जो फ्यूचर में जाके लॉन्च होंगी और इसी डी खान हकला मोटरवे इंटरचेंज को जब क्रॉस करते हैं आप तो आगे जब जाते हैं तो आगे जाके राइट right साइड पे सारा बी सेवेंटीन का ब्लॉक है सी जी ब्लॉक और जी ब्लॉक के साथ सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इवन दो जी ब्लॉक को इंटरचेंज पर लोकेशन अवेलेबल नहीं है और यही जाकर रोड से कनेक्ट करता है जाके सबसे पहले ब्राह्माबाद रहा इंटरचेंज को जहाँ पे न्यू सिटी का फेज़ वन न्यू सिटी वाक एंड के नाम से इस वक्त जमीन पर डिलीवर्ड है जो रावलपिंडी इस्लामादाद से लेके पेशावर के डोमेन तक देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनता है जो बनता है न्यू सिटी वाकैंड का और ये न्यू सिटी वाकैंड का प्रोजेक्ट अपनी हमियत का हामिल है अच्छे से पहले मोटरवे पर जो एक इंटरचेंज की सोसाइटी के पास अवेलेबल है दैट इज ए डब्ल्यू टी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट लेकिन ये सोसाइटी इतनी फेमस नहीं है यानी फेमस है था कि जिस तरह एक बड़े ब्रांड की सोसाइटी होती है ना जैसे न्यू सिटी वाक एंड देख ले तो न्यू सिटी वाक एंड के पास अपना इंटरचेंज नहीं भी है लेकिन न्यू सिटी वाक एंड के पास ये अपॉर्चुनिटी जरूर है कि वो पब्लिक रोड से होते हुए इंटरचेंज पे एक्सेस ले सकते हैं तो ये आम सोसाइटीज के पास ये ऑप्शन नहीं होता तो इसलिए न्यू सिटी की जो लोकेशन है न्यू सिटी वाक एंड की वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बन गए इस्लाबाद से मैं बहुत ज्यादा दोस्तों को अपने जानता हूँ जो डेली बेस पे आपके वाक एंड से इस्लामाबाद कम्यूट करते हैं यहाँ पर बिजनेस करते हैं बहुत ज्यादा दोस्त हैं मेरे अब ये चीज़ देखें तो अब आपको बुरहान तक जाने के लिए न्यू सिटी वाक एंड के इंटरचेंज से हार्डली को टू से थ्री मिनट्स की ड्राइव आ गया है तो आप इजीली एक्सेस कर लेते हैं वो आगे जाकर मैं वीडियो में मैप एड करता हूँ गूलरल पर भी लोकेशन ऐड करता हूँ ताकि मेबर्स को इन जनरल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि न्यू सिटी पैराडाइज जो है उसकी लोकेशन क्या है लोकेशन के साथ, साथ अगर आप न्यू सिटी पैराडाइज की साइट विजिट करते हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा हैरान हैरानकन चीज़ मिलेगी वो न्यू सिटी पैराडाइज की साइट पर डेवलपमेंट का स्केल है यानी मैंने साइट को जब साइट विजिट किया था इस वीडियो की लिए जब मैंने साइट पर गया था तो आपको साइट पर इतने ज़रा मैसेव स्केल पर डेवलपमेंट नज़र आती है तो आपको एक यकीन हो जाता है कि जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट डिलीवर करने के पर्पज से मार्केट में है ये वैसे मार्केट में नहीं आया अब जो इंटरचेंज आप देख रहे हैं साइड पर बना इंटरचेंज इस इंटरचेंज के साथ राइट साइड पर न्यू सिटी वाक एंड फेज वन है या न्यू सिटी वाक एंड अब न्यू सिटी वाक एंड की अच्छी बात यह और इस न्यू सिटी पैराडाइज की अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के शायद वाद दो प्रोजेक्ट हैं जिनको दो पब्लिक रोड पाकिस्तान के जो सबसे फेमस और सबसे पुराने रोड हैं वो लगते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रैंटंक रोड जो पाकिस्तान बनने से पहले का है यानी इंडो पाक जो बरसगीर हिंद का रोड था जिसमें शेरशाह सूरी के दौर में इसको बनाया गया था उस साइड से वो रोड की एक्सेस मिलती है सामने वाली साइड से और बैक साइड से आपको न्यू सिटी में वाकन की बात करूं और बैक साइड से आपको एक्सेस मिलती है आपकी पिशावर इस्लामाबाद मोटरवे की जिसका नाम है एम वन मोटरवे अगर आप बात करते हैं न्यू सिटी पैराडाइज की तो ब्रहान इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर है तो मेन जो इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर होने के साथ साथ बिल्कुल कनेक्टिविटी जो मेन सामने है यानी कि आपकी सोसाइटी के जो दो गेट्स हैं गेट वन गेट टू जो मैं वीडियो में आगे जाकर दिखाऊंगा भी ये दोनों गेट्स जो है, ये हैं ये ग्रैंड ट्रंक रोड पे वाक्य हैं यानी ग्रैंड ट्रंक रोड पे वाक्य होने से बताया ये कि आपको ईजी एक्सेस जो है वो आज की डेट में साइड पर अवेलेबल है आप गेट बना सकते हैं प्रॉपरली वहाँ पर सोसाइटी ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि विद इन थर्टी सेकेंड ऑफ टाइम आप इंटरचेंज पर एक्सेस लेके आप इस्लामाबाद भी जा सकते हैं और आप पिशावर भी जा सकते हैं तो जो जम्बर्स स्पेसिफिकली पिशावर से लोकेटेड हैं पिशावर एबटाबाद हज़ारा एटक इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस्लामाबाद के डोमेन में यानी इस्लाबा से हार्डली पच्चीस तीस मिनट की ड्राइव बनती है मैं भी आपको डिस्टेंस मेयर करता हूँ तो भी उन्होंने अब तक तो मेयर तो नहीं किया डिस्टेंस मेयर करके दिखाता हूं कि न्यू सिटी पैराडाइज का जो डिस्टेंस है जीरो पॉइंट इस्लाबाद से कितना बनता है जीरो पॉइंट से इन जनरल डिस्टेंस मेयर करने का जो पर्पज़ है मैंने वीडियो को स्टार्ट में बता दिया है ताकि मेंबर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉपर्ली ट्रस्ट हो कि हाँ मैंने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है मेरी इन्वेस्टमेंट अपनी सही जगह पे गई है इसमरी रीजन पर इस्लाबाद दारालकूमत का जो गूगल मैप है वो देख सकते हैं और मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी हम जीरो पॉइंट से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और जीरो पॉइंट की अहमियत का मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ज़ीरो पॉइंट इतना क्यों अहमियत का हामिल है रीजन इसके इस्लाबाद को जब प्लान किया गया तो इसी पॉइंट से तमाम लोकेशन की डिस्टेंस रखे गए थे तो उस लिहाज से इस्लाबाद में आज आपको ओन प्लाट्स की प्राइजेज मिलती हैं यानी कि जी सिक्स से देख लें जी सेवन जी सेवन जी सिक्स जी सेवन और एफ सिक्स एफ सेवन एफ एट जी एट ई सेवन ई एट तो यहाँ पे आपको करोड़ रुपया से सवा करोड़ रुपया पर मरला लैंड मिलती है तो डेफिनेटली जितने का प्लॉट आपको प्लॉट मिलता है किसी दूसरी सोसाइटी में इतने का सिर्फ आपको एक मरला रेट मिलता है जाहिर सी बात है ये रीज़न है कि जी जो जीरो पॉइंट है उससे क्लोजेस्ट डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज के रेट जो हैं उसी से जज होते हैं कि वो जीरो पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हैं चलें जी पहले मेजर करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्योंकि ये मेन जो पर्पज़ है इसका वो गलत लोकेशन का वो मेजरमेंट है हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली जी ज़ीरो पॉइंट से जी थर्टीन की तरफ जाते हैं और जी थर्टीन से अगर आप मेयर करें जी थर्टीन तक का डिस्टेंस जहाँ पे जीटी रोड के एक्सेस पॉइंट बनता है जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था एन फाइव पर जाते हुए तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगा मैं जीटी रोड से भी डिस्टेंस मेयर कर दूँ और इसका इसके अलावा मोटरवे से मेयर कर दूँ लेकिन पहला रूट हम रखते हैं मोटरवे क्योंकि मेन कम्यूट जहां से बात मैं वहां से कर रहा कराऊँ तो बाकी लोग भी यहीं से करेंगे क्योंकि आसान है कम्यूट टाइम कम लगता है डिस्टेंस बेशक ज्यादा हो लेकिन टाइम जो है उसमें बड़ी रीजनेबल सी बचत हो जाती है तो भामरा इंटरचेंज तक आते आता आपका डिस्टेंस बनता है ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव जीरो किलोमीटर का जो कि जीरो पॉइंट से हार्डली आप दस मिनट में ट्रैवल सकते हैं इफ़ यू आर कीपिंग द स्पीड ऑफ हंड्रेड्रेड्रेड्रेड किलोमीटर पर आर तो आप ईजीली यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं तो दट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल अब भामरा इंटरचेंज से आप जब जाते हैं टवर्ड्स एम वन मोटरवे तो एम वन मोटरवे पर चढ़ने के बाद आपका टोल प्लाजा है वो इस पॉइंट पर कहीं टोल प्लाजा आपका आता है ओके okay. अब आप यू के अखला डी ए मोटरवे और ये साथ में एक्सप्लेन किया था आपका फैसल टाउन की लोकेशन कि फैसल टाउन कहाँ लोकेटेड है तो अब आगे चलते हैं हम जी शावर की तरफ इस रोड पे अगर ट्रैवल करते रहें तो थर्टी वन पॉइंट फोर जीरो किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है आपका बी सेवनटीन के आसपास जब आप आते हैं तो इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस बन जाता है अगर आप आगे ट्रैवल करते हैं ये बी सेवनटीन का जी ब्लॉक है जो मेरे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा सारा आगे आगे फैसल हिल्स की प्रेमिस स्टार्ट हो गई हैं और फैसल हिल्स के साथ ही आपको दूसरी प्रेमिस यहाँ पे नज़र आएंगी ये अभी इस वक्त एरिया जो बन गया दैट इज़ अराउंड थर्टी एट किलोमीटर्स का थर्टी नाइन किलोमीटर का न्यू सिटी के सामने जो आपकी इंटरचेंज है जिसका नाम है ब्राह्मा बाथर इंटरचेंज आगे आएगी मैं दिखाता था आपको तो उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस बनता है वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा अब ये ब्राह्मा इंटरचेंज है ब्रह्मा भादर इंटरचेंज से जीरो पॉइंट का डिस्टेंस बनता है फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन फोर किलोमीटर जो कि अगर आप टाइम में कैलकुलेट करें तो हार्डली आपका डिस्टेंस बनता है ट्वेंटी किलोमीटर प्लस माइनस ट्वेंटी मिनट्स प्लस माइनस का जो कि डिस्टेंस बनता है अब इस ब्रह्मा भादर इंटरचेंज से डायरेक्टली अगर आप बुरहान इंटरचेंज तक रेंटर। आते हैं तो आपका जो ब्रहान एटचिंग का डिस्टेंस है दैट इज़ 57.25 किलोमीटर और ब्रहान एटचिन के बिल्कुल साथ ही आपकी ये न्यू न्यू सिटी पैराडाइज की लोकेशन है जो आपको जितनी प्रेमिस नजर आ रही हैं एक्जैक्ट डिस्टेंस काउंट करें तो जीरो पॉइंट से बनता है फिफ्टी किलोमीटर प्लस माइनस इट तो कुड़ भी वन किलोमीटर प्लस और इट कुड भी वन किलोमीटर लेस तो ये डिस्टेंस बनता है आपका 58.20 किलोमीटर का जीरो पॉइंट इस्लामाबाद से एज पर द गूगल अर्थ लोकेशन ये हो गया वो रूट जो इसको राउंड ऑफ हम करें तो 60 किलोमीटर आप कर लें जीरो पॉइंट से डिस्टेंस बनता है इसका तो यहाँ पे जो साइडिज रेट ऑफर कर रही हैं वो रीजनेबल रेट बनते हैं इस लिहाज से भी ये कम्यूट का रास्ता येलो लाइन से गूगल पर नेचुरली ड्रॉन है बाकी कम्यूट का जो रास्ता है इसमें ये मैंने सर एक्सप्लेन कर दिया है अच्छा जी फिफ्टी एट किलोमीटर का रास्ता ये वाला हो गया अब हम देखते हैं दूसरी साइड का जी अगर आप जी टी रोड से ट्रैवल करते हैं मैं इसको सारे को रिमूव करता हूँ और जी टी रोड पर अगर ट्रेवल करते हैं तो आपका जीरो पॉइंट से डिस्टेंस वाया जी टी रोड कितना बनता है मेरा ख्याल है वो कम ही होगा क्योंकि जी टी रोड को पाकिस्तान का शॉर्टेस्ट रूट कहा जाता है यानी आप यहाँ से लाहौर भी जाना तो आप ट्रैवल करते हैं जी टी रोड पर तो आपका डिस्टेंस कम बनता है एज कम्पियड टू मोटरवे क्योंकि मोटरवे को प्लानिंग के तहत ज्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी रखा गया था ताकि मुख्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उसमें अकोमोडेट हो सकें चलिए ये ज़ीरो पॉइंट है मैं पहले क्लियर कर दूँ स्क्रीन को 58 किलोमीटर या 60 किलोमीटर राउंड अबाउट आपका डिस्टेंस बनता है जीरो पॉइंट इस्लामा से अगर आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं वाया जी रोड तो इस पॉइंट तक आपका डिस्टेंस बनता है मैं आपको वही मेरे मिल करके दिखाता हूँ अच्छा ये आ गया सिक्सटी किलोमीटर जी पंद्रह तक तरनोल तक आते आते आपका डिस्टेंस आ गया सैवनटीन किलोमीटर मार्गला हिल मार्गला मार्क लिखा हुआ है मारगला रोड भी यहाँ पर आ गया आते हैं मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा समझाने के पास ये संगजानी टोल प्लाजा आगे यहाँ तक आपका डिस्टेंस बन जाता है अराउंड ट्वेंटी वन किलोमीटर का संगजानी से आप आगे मूव करते हैं जी टी रोड पर ही तो यहाँ तक डिस्टेंस बन जाता है ट्वेंटी थ्री किलोमीटर का ये आपको मार्गला रोड, रोड की प्रॉपर स्टेप नजर आ रही है तो मार्गला रोड वाली साइड से आप आए तो इस साइड से बड़ा ईजी एक्सेस ले सकते हैं यानी इस्लामाबाद के अंदर लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स किलोमीटर का जी टी रोड और कश्मीर हाईवे को यूज़ करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ अच्छा आप आगे आ जाते हैं तो ये आ गया टेक्साला की प्रेमिसज टेक्सला के प्रेमिस के बाद आगे ये जो रोड है ये सीधा वाक कैंड की तरफ लीड करता है और वाक एंट तक डिस्टेंस जो बनता है दैट इज थर्टी सेवन किलोमीटर अगर मोटरवे से आप गए हैं तो आपका डिस्टेंस आपने देखा अराउंड फिफ्टी थ्री किलोमीटर का था यहाँ पर डिस्टेंस बनता है आपका थर्ट सेवन किलोमीटर का तो आपको एटलीस्ट पंद्रह किलोमीटर का गैप यहाँ से मिल जाता है इससे आगे हसन अदाल आता है हसन अदाल तक डिस्टेंस फोर्ट सिक्स किलोमीटर और हसन अदाल से आगे ही ग्रैंड ट्रंक रोड से अगर बुरहान की तरफ मुड़ते हैं तो आपका डिस्टेंस ये एक्जैक्ट जाके बनता है यहाँ पर फिफ्टी किलोमीटर तो अगर आप मोटरवे से जाते हैं तो 58 किलोमीटर आप जीटी रोड से जाते हैं न्यू सिटी पैराडाइज की साइड पे तो आपको डिस्टेंस तय करना पड़ता है अराउंड 52 किलोमीटर का दैट इज़ नॉट एनफ डिस्टेंस बट आपको टाइम जी टी रोड पर ज़्यादा लगता है और मोटरवे पे उसका टाइम हाफ लगता है यानी साठ किलोमीटर का डिस्टेंस है तो हार्डली पच्चीस से तीस मिनट की ड्राइव पर आपकी और अगर आप जी रोड से जाते हैं तो फिफ्टी किलोमीटर फिफ्टी किलोमीटर का डिस्टेंस है बट टाइम आपको जो लगेगा डेफिनेटली वो इससे ज़्यादा ही होगा इससे कम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी साइड पर यहाँ पर जी रोड पर कम्यूट के लिए आपको ट्रैफिक का जरूर है वो हमेशा मुश्किल मिलता है तो ये ओवरऑल होगी बात न्यू सिटी पैराडाइज के डिस्टेंस की अब बात करते हैं न्यू सिटी पैराडाइज की चार लोकेशन की कि इसकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे क्या बनता है तो हम बात करें नॉर्थ साइड पे इसकी तो ये न्यू सिटी ये मैं अब मैप पे ड्रा कर, कर पाऊं मैं ड्रा कर देता हूं पॉलीगॉन की फॉर्म में ये न्यू सिटी पैराडाइज की सारी लोकेशन है अब इसमें तो कुछ पार्ट जैसे बात ऐड होगा कुछ पार्ट माइनस होगा लेकिन इन जनरल में परस्पेक्टिव के लिए क्योंकि ये एन अप्रूव प्रोजेक्ट है और साइड पर सब जो डिलीवरी है आपको फिजिकल बड़ी अच्छी शेप में नज़र भी आती है तो ये अराउंड कोई 2000 एकड़ के आसपास प्रोजेक्ट है 2000 एकड़ से मुराद है तकरीबन आपका 16000 कनाल के आसपास एरिया जिस पे ब्राउनिंग हो रही है साइड पे ये दरिया के उस तरफ भी ब्राउनिंग हो रही है और दरिया के इस तरफ भी ब्राउनिंग हो रही है बल्कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ विद द फोल्डर ऑफ न्यू सिटी पैराडाइज एंड सिप्ली और बाकी मैं इसको कलर भी कर देता हूँ ताकि मैंबर को इन जनरल अच्छी साइट के वाले से अपडेट मिल सके okay. अच्छा न्यू सिटी पैराडाइज की जो लोकेशन है उसको एक्सप्लेन की है इससे आपको काफी हद तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ये साइड की लोकेशन है मैं बाकी उसको बाद में पूरा एक डिटेल बॉक्स बना के रख लूंगा ताकि मैं आने वाले दिनों में जब वीडियो बनाऊँ तो मुझे अच्छी कंपेरिजन के तौर पर एक डिटेल पॉइंट मिल जाए ये न्यू सिटी पैराडाइज है जो बॉक्स मैंने यहाँ पर मार्क किया और इसके अलावा ये जीरो पॉइंट इस्लाबा है जहाँ से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी तो ये थी ओवरऑल न्यू सिटी पैराडाइज का डिस्टेंस जीरो पॉइंट से एक तरफ आप मोटरवेस जाते हैं तो अराउंड फिफ्टी एट पॉइंट फोर किलोमीटर और अगर आप जी टी जाते हैं तो फिफ्टी टू किलोमीटर का डिस्टेंस है दैट इज़ फ्राम द सेंटर ऑफ पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद अगे बैट रोल टाइम फुटेज और अपनी स्क्रीन पे दोबारा लाहौर इस्लामाबाद मोटर पे यहाँ सॉरी पिशावर इस्लामाबाद आबाद की फुटेज देख सकते हैं और पिशावर इस्लामाबाद मोटर में अगर बुरहान इंटरचेंज से आप उतरते हैं तो राइट साइड पे आपकी न्यू सिटी पैराडाइज की कंप्लीट लोकेशन बनती है ओवरऑल वीडियो बनाने का मकसद यह था इंट्रो वीडियो थी यानी कि अगर आप जीरो पॉइंट से ट्रेवल करते हैं न्यू सिटी पैराडाइज में तो आपको डिस्टेंस कितना लगता है टाइम कितना लगता है वो मैप की मदद से मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है इन जनरल ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी बनती है इवेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका ताल्लुक बेसिकली के पी के से है या दूसरे आप गलगत बल्तस्तान से बिलोंग करते हैं कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो बहुत, के साथ, बहुत ही लोकेशन पर आपको शानदार की सोसाइटी मिल रही है so, अगर आपको इस्लामाबाद रावल पिंडी के डोमेन में या किसी और सोसाइटी के हाले से कोई भी वीडियो देखनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल का इजार जरूर करें इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम रिजवान जीमा को